तूफान की तरह आएगा वो। क्या बोलता है जाने। माँ काल जा रही है और इतने अल्फाज निकाल रही है, इतने गंदे गंदे, शर्म आनी चाहिए ऐसी स्त्री। इन महिलाओं की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे और हम जैसे मर्दों को झेलना पड़ता है, जो कि हमें गलत शब्द यूज करने चाहिए थे लेकिन ये गलत। हम जा रहे हैं महाकाल, तो देखिए अभी गाइड कर रहे हैं यहाँ पे किसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। भैया जी आप बताना चाहोगे आप कौन सी पार्टी से हैं? कौन सी पार्टी से हैं? मैं साइंस की तरफ से, साइंस की तरफ से। भगवान के द्वार जा रहे हैं, आप गाली नहीं दे सकते हो, आप गाली नहीं दे सकते हो। देखो फैमिली, सब लोग फैमिली वाले हैं, मैं गाली दे नहीं सकता, वरना मैं ऐसी ऐसी गालियां दूं इनके खानदान में कभी सुनी नहीं होगी, इसलिए मुझे काम करने दीजिए। अबे सेम टू यू नो रिप्लाई, हम इनको यही बोलना चाहेंगे। ये हमारी बहन जी है जो अफगानिस्तान से आई हुई है, तो आप अभी इंडिया में आके कैसा फील कर रही हो? अभी मसई में खड़े हुए हैं, महाकाल जा रहे हैं, बताओ आप हो गया? बताओ जल्दी, घर जाते हैं। इसको बोलने नहीं आता, ये चल तो साइड हट, गंदा सा मुंह लेके। हाँ तो फिजू भाई से मिलने आया था, फिजू भाई से मिले नहीं, उज्जैन जा रहे अभी। हाँ जी आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे आके वसई में? बस कलेश करूंगी और क्या। कलेश करो, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, तो अभी ये महाकाल में जाके नहीं है शांति की, वो क्या बोलते हैं, शांति मांगने जा रही है वहाँ पे। तो डिसलाइक मारो इनके पे, इन्होंने भी कुछ बोला नहीं है। तो कहाँ जा रहे हो आप लोग, ये ट्रिप कहाँ जा रही है? जन्नत में जा रहे हैं। जन्नत में? हाँ भाई हेलो, कहाँ जा रहे हो भैया? अबे साले क्या है, देख भी रही है कितना रुपए का दी, बात तो ये तो बंद ही कर रही है, इसको पिला दिया साला, बोल तो ऐसे रहे जैसे निकिता का दहेज बांट रहा हो इधर पे। अबे साले ये लोग को घर पे भेज दे। फाइनली उज्जैन उतर गए हैं। गाड़ी टाइम से पहले आ चुकी है। हाँ भाई गाड़ी टाइम से, ओ सस्ता शाहरुख खान। तो गाइस हम अभी फाइनली उज्जैन उतर गए हैं और हम जा रहे हैं अभी अपने होटल। ये देखिए गाड़ी ने हमें टाइम से पहले उतार दिया है, 6:30 बजे का टाइम था लेकिन गाड़ी 6:05 को ही हमको उतार दिया। हमें लगा कि अभी 10-20 मिनट और है लेकिन सब बड़बड़ा के उठे, सब बड़बड़ा के देखो, सब डिस्कस करते हुए भाग रहे हैं। इसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है, बिना मुँह धोए उतरी है ये भी, टॉयलेट के पानी से मुँह धोया है इसने। हाँ ऐसा हुआ है, इसने बाथरूम के पानी से मुँह धोया है। चाय से याद आया, चाय पीनी है यार, चाय हम बाद में पियेंगे, बाहर आके पियेंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ की चाय एकदम अजीब सी लगती है। और ये हमारे श्रीलंकन, क्या बोलेंगे, ये पोलार्ड के भाई, पोलार्ड साले, ये भी उज्जैन आए हुए हैं। क्या क्या पोलार्ड के भाई, पोलार्ड। और बेस्ट पार्ट ये है कि आज संदीप का बर्थडे भी है। संदीप हेलो, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मंदिर में तुम्हें भस्म किया जाएगा आज।
तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाहर निकलते ही वाह पूरा ग्रुप फोटो लेना है ना, आ जाओ। तो बाहर निकलते ही हमें ऑटो वालों ने सेलिब्रिटी वाला दर्जा दिया है, जैसे कि वही 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 चिड़ियों की चांग चगा इतनी हो रही है, ये देखो इतने सारे सोते। ओ हो स्वागत में अपने, तो हमारी स्वागत में उड़ गए तोते रे, हमारे तो उड़ गए तोते रे। दोस्तों आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है जिसका नाम संदीप है, आज उनका बर्थडे, उनकी छोटी सी भेंट। तालियां मत दो उसको, गालियां। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो भाई भाई बैग डाल दो, आपको भी जाना है ऊपर। हम जाएंगे छत के ऊपर बैठ के, बैग गिरेगा नहीं ना ऊपर से। अब भाई ने मना किया, चाय 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 एक गरम जल। मैं चाय पी रहे हैं तुम लोग, नहीं चाहता तड़प ही ऐसी है ना। कॉफी नहीं है बोल रहे सनी भाई, आपको चाय कैसी लगी? चाय के बारे में बताना चाहेंगे, ये चाय बनाने वाले भैया के जो शुगर मिल है बहुत बड़ा है, जो कि भर भर के उन्होंने शक्कर डाली है कुल्हड़ के नाम पे, उनको ये चिपका दिया है। देखो नेस कॉफी के लेके चाय पीना, अगर तू वीडियो में इसके साथ है। हाँ हाँ इनकी और सुनो, बताइए आप क्या बताइए, अरे बताओ चाहिए आपने किससे? वापस से बोल, अच्छा डायलॉग था, वापस से बोलना एक बार और। रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया, सभी लोगों को लगता है कि मैंने ट्रेन से चुराया है, मेरी सकल चोर जैसी भैया, इतना भी तक नहीं बोला था। लेकिन चोर मेरे बुआ ने मोबाइल लेके चल दिए है ना, वीडियो निकालो वीडियो निकालो, यही और वीडियो मांगे यही बाद में यार, वीडियो दे दे फोटो निकाल देते ना, ये मोबाइल लेके ना भाग जा, बोलता इतने का मोबाइल नहीं है जितने की मेरे पास गाड़ी है, मैं बोला वही गाड़ी से लेके भाग गया। अरे दादा कहाँ चढ़ रहे हो ऊपर? होटल जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह हमें घुसा दिया गया है, हमारे हम लोग पीछे लटक जाएंगे, जगह होगी भाई बिठाओ ना एक जन को और। अरे भाई वो बैग नीचे रख, बैग एक जन चलो। हर हर महादेव। तो गाइस हम कहाँ जा रहे हैं? ये सकीना शेख को भेजो पहले, ये सकीना शेख को भेजो पहले यहाँ पे, महाकाल के यहाँ पे आने के बाद में तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? ये श्रीलंका से आया, इसने बोला ये बोला टूट गया भाई, बैठा है बैठा है बैठा है, चलो सीधे चलो। तो भेड़ बकरियों की तरह से बाहर निकलते हुए कितने लोग हैं हम? 14। ये देखो ये पैदल पैदल आते रहते थे, तूने ना लोकेशन पे वो नहीं किया, बर्थडे बॉय का बर्थडे बॉय का हॉल हमने बुक कर दिया है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ
क्या हो गया तो गाइस के साथ, तो भाई इसके साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, कुत्ते ने जल छिड़क के चला गया है। यावे भाई से 6 बजे उतरने के बाद हम लोग नहा धो के फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं मंदिरों के दर्शन करने। और ये कांग्रेस वाली है जो हाथ दिखा रही है, ये कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही है। हाँ ये कौन सी पार्टी से है पता नहीं, ऐसे ऐसे बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये कांग्रेस वाली है, कटोरा पार्टी। तो रास्ते में कटोरे के साथ में हम इनको बाल्टी भी देंगे, टेंशन नहीं है। तो चलो अभद्र शब्द को जोड़ा लगाम लगाइए बाबा वाले। इसका क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। अब देख तू ये सब करने आए हो तुम यहाँ, हमारे मम्मी पापा जानते हैं। क्या ऑर्डर ले रही है चाय चाय कुल्लड़ वाली ना ये टाइम पे, फिर चाय 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 कुल्लड़ वाली चाय। ये देखो रास्ता रोक के ये लोग सेल्फी के इतने दीवाने हैं। हरे हरे हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की, बोलो कालो के काल महाकाल की जय। जय तो बिजी है, देख चितकबरे नाग लग रहे हैं दोनों, चितकबरे नाग दोनों काले, चितकबरे काले नाग लग रहे हैं दोनों। हेलो गाइस, ऐसे करो ऐसे, ये दादी की सर नहीं, कौन के हर है भगवान भगवान, आप महाकाल के भक्त हो, महाकाल के शर्ट पहन के रख लो, गाली कैसे दे सकते हो। ये तो हमारा आप बंबई आ रहे हो, सब लोग आप बंबई आ रहे हो इंडिया गॉट टैलेंट में। Hayır, sen bak.
मेरा नाश्ता पूरा हो गया। भाई ने उसको मेरे रूम में नहीं रखा। भाई बर्थडे गिफ्ट दिया है भाई को, तो बनता है। हम लोग आए हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी 64 डेज में रहे थे, और यहाँ पर ऋषि सांदीपनी जी से उन्होंने टीचिंग सीखी थी। जैसे गुरुकुल था उनका, यहाँ जैसे हम स्कूल जाके सीखते हैं, वैसे उन्होंने यहाँ पे सीखा। वहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आज हम जिस जगह आए हुए हैं सांदीपनी आश्रम, उज्जैन का एक ऐसा मुख्य तीर्थ स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी की तप स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य दिया गया है और बताया जाता है कि महर्षि सांदीपनी ने उज्जैन में अवस्थित इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को शिक्षा दी थी। आश्रम का निर्माण महर्षि सांदीपनी ने उज्जैन के राजा संतानु की सहायता से करवाया था। बोलो महाकाल महाराज की जय। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु महर्षि सांदीपनी से वेद, दर्शन शास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और बताया जाता है कि आश्रम के प्रांगण में महर्षि सांदीपनी की मूर्ति स्थापित है, जो उनकी यादों में बनवाई गई है। सांदीपनी आश्रम के प्रति वर्ष कई त्योहार उत्सव से मनाए जाते हैं, जिनमें की जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। उज्जैन की सांदीपनी आश्रम में धर्म के अनुरूतियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके गुरु महर्षि सांदीपनी की यादों में आते हैं। और दोस्तों, बताया जाता है कि सांदीपनी आश्रम में 6000 साल पुराना एक शिवलिंग है। तो दोस्तों, सांदीपनी आश्रम का हमारा दर्शन हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ।